हे फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं विल्सन हिल जाने के लिए। वैसे नाम तो सुना ही होगा आपने। ये करीब वलसाड से 50 से ऊपर किलोमीटर तक है और धर्मपुर से करीब 25 किलोमीटर के आसपास है। सो आप यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी सुविधा है, लेकिन आप अपना ही खुद का व्हीकल लेके जाए तो अच्छा रहेगा। हम तो अपना खुद का ही ले। फिर भी यहाँ पे विल्सन हिल पे कुछ ऐसा बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी सुबह हुई है। यहाँ का पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, एकदम बादल हमारे पास आ रहे हैं ऐसा लगता है हमें। और रास्ता भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे टर्न है कि देख के चलाना पड़ता है बाइक को। अभी तो हम आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं, अभी हम मिलते हैं चोटी पे ही। ठीक है, बाय। गाइज, अभी हम यहाँ पे रुके हैं बीच में। अभी यहाँ से विल्सन हिल तो बहुत दूर है, करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बना है कि ऊपर चढ़ के हम देख रहे हैं। यहाँ का व्यू, पीछे नदी है और ये देखो बादल एकदम हमसे भी नीचे है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एकदम एक्साइटमेंट का बहुत बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हैं कि ये सब हिल ही है। ये देखो बादल अभी नीचे से जा रही है ऐसा लगता है, ये सब अभी बादल है और रिमझिम रिमझिम बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है।
सो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं विल्सन हिल स्टेशन पे, लेकिन अभी यहाँ पे बादलों ने हमें घेर लिया है और यहाँ से करीब 10 फुट की दूरी पे भी आप देख नहीं सकते हो, इतने बादल है। क्या है कि यहाँ पे बारिश का मौसम है इसलिए, लेकिन यहाँ पे अभी तो कोई आ भी नहीं रहा है, गिने चुने कुछ ही लोग आ रहे हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि बादल ही घिरे हुए हैं सभी जगह पे। है गाइस, सो अभी हम आए हैं विल्सन हिल पे, यहाँ पे बादलों को चूमते हुए आना पड़ता है, हमें तो नहीं चूमना पड़ता है, बादल ही हमें चूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे कितने बादल है और जगह भी कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक भैया है, यही के प्रॉपर है, उनसे ही बात करते हैं। है फ्रेंड्स, कैसे हो? अरे यार वो शर्मा रहा है, देखो अभी भाग रहा है वो वीडियो नहीं बना रहा है अभी, उसने बोला है हमें कि यहाँ पे यही मौसम है और अभी बारिश हो रहा है, बारिश के मौसम ही यहाँ पे घूमने के लिए वैसे तो अच्छी है, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, बादले है यहाँ पे, इसीलिए आप आना चाहोगे यहाँ पे? ये भाई भी है खड़े है, लेकिन गाइस, लेकिन ये भाई आप बताना चाहोगे कुछ? कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। गाइस यहाँ ये गार्डन है, ये भैया हमें दिखा रहे हैं, वैसे तो यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये भाई बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें जाने दिया है। और यहाँ का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, सभी की सभी झील है वो सब बादलों से घिरी हुई है, अभी देखो एकदम धूप सा लग रहा है, अभी हम जा रहे हैं। गाइस अभी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं अभी ऊपर क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तालाब है, ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप देख सकें। बादलों की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बादल के भी ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे जो गार्डन था हम चल के आए थे, वो गार्डन है, बहुत बड़ी जगह है और इधर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा टाइमिंग ये बहुत बैड है, आप अगर आना चाहो तो अच्छे टाइमिंग लेके आना। है गाइस अभी बहुत बारिश आ रही है और आप देखो यहाँ पे हम ऐसे छोटा सा तंबू जैसा बना के खड़े रहे, लगता है बादल कहीं यहाँ पे ही फंस चुका है, इसलिए बारिश अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी पता नहीं कब तक रुकेगी और कब तक ऐसे जाएंगे। अभी हमारा KTM भी रेडी है, अभी जाएंगे तो बोल देंगे।